और सब धोखेबाज हो। कबूल जाने से पहले एक बहुत जरूरी बात। कोई बात नहीं सुननी मुझे। नफरत है मुझे तुमसे, तुमने मेरा दिल तोड़ा है। आप सबने ना मेरी जिंदगी का तमाशा बना के रख दिया। कलर्स चैनल पर आ रहे सीरियल उड़ारिया के आने वाले एपिसोड में आपको देखने को मिलने वाला है बड़ा ट्विस्ट। शो की कहानी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो अरमान है उसकी शादी आलिया से होने की बात होती है। यहाँ पर आसमा कहती है, अरमान कोई नहीं, हम जो है शादी करवाएंगे तुम्हारी आलिया के साथ, मैं खुद तुम्हारी शादी करवाऊंगी। कबूल जाने से पहले एक बहुत जरूरी बात। कोई बात नहीं सुननी मुझे। नफरत है मुझे तुमसे, तुमने मेरा दिल तोड़ा है। आप सबने ना मेरी जिंदगी का तमाशा बना के रख दिया। अब सब धोखेबाज हो। और लेकिन ये बात आलिया को समझा देती है कि सिर्फ राजा के बच्चे के लिए, इस नन्ही सी जान के लिए ऐसा सब किया जा रहा है। यहाँ पर आलिया आसमा को रखेल भी कहती है और यहाँ पर फिर आसमा उसे करारा इस बात का जवाब भी देती है। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि जहां पर बेगम साहिब अपने पोते को ढूंढ रही होती है तो वहीं पर एक बच्चे का कॉल आता है आसमा के पास। आसमा अरमान और आलिया की शादी को छोड़कर उस बच्चे को ढूंढने जाती है। यहाँ पर आसमा, पुलिस, ये सब बच्चे को ढूंढ रहे हैं और बच्चा आसमा को मिल भी जाता है और बच्चा छोटा सा भीख मांग रहा होता है। यहाँ पर दूसरी तरफ जो अरमान है वो सोचता है कि आसमा ने तो कहा था मैं आऊंगी शादी में, तो वो कहाँ रह गई है। अब अरमान को उसकी भी चिंता हो रही है और आली अरमान को देख रही है कि इसका अभी भी ध्यान उस पर ही है। आने वाले एपिसोड में ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि क्या ये किसी की चाल है कि आसमा को अपने काबू में करना बच्चे के जरिए। ये देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। और वहीं पर दूसरी ओर, क्या अरमान और आलिया की फाइनली शादी हो पाएगी? आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा अपनी राय और कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब।